नमस्कार, मैं हूं अंजू और आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 78वीं जयंती उनके गृह नगर ग्वालियर में पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय सिंधिया की समाधि और चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि दी। इस दौरान स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के सुपुत्र और मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी उपस्थित रहे। पुष्पांजलि देने के बाद दोनों अतिथि थोड़ी देर भजन संध्या में बैठे, उसके बाद गंतव्य की ओर रवाना हो गए। भजन संध्या में पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी सहित शिवराज सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता, सिंधिया राजवंश के सदस्य एवं ग्वालियर के गणमान्य नागरिकों के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि आज का पूरा दिन उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की याद में समर्पित कर दिया। इस मौके पर सर्वप्रथम ग्वालियर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे महान आर्यमन सिंधिया के साथ हिस्सा लिया। पहले मैराथन को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद बेटे सहित खुद भी अन्य धावकों के साथ लगभग 12 किलोमीटर दौड़े। इसके बाद सिंधिया ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में आज रिलीज किए गए टाइगरों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कूनो और माधव नेशनल पार्क माधव महाराज प्रथम की देन है। कूनो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से चीते लाए गए हैं, इसलिए पुनः जीवित हो गया है। माधव नेशनल पार्क में दो चीते आज रिलीज किए गए हैं, जिनमें एक नर और एक मादा शामिल है। दोनों को 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है, इसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। इसके बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया और इस वर्ष सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके साथ ही संगीत सम्राट तानसेन पर नृत्य नाटिका का मुंबई से आए कलाकारों ने मंचन किया, जिसका आयोजन तानसेन मकबरे पर किया गया। ऐसे आज का दिन स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की स्मृति में समर्पित किया गया। इंदौर पहले देश के 11 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, अब 24 शहरों के साथ जोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, दुबई से भी जोड़ दिया गया है। कोशिश है कि आगामी अप्रैल तक शारजाह की फ्लाइट भी इंदौर से शुरू कर दी जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि पहले ग्वालियर के पास कोई उड़ान नहीं थी, अब अधिकांश बड़े शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में दो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, इनमें आगामी 2-3 महीनों में जबलपुर का एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा और ग्वालियर में नवीन एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसी के साथ रीवा में जो विंध्य क्षेत्र पूरी तरह से कटा हुआ था, यात्रियों को तो या तो जबलपुर जाना पड़ता था या इलाहाबाद जाना पड़ता था, इसलिए रीवा में नया एयरपोर्ट के लिए 290 जमीन पर बनाने का प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन उस मैराथन दौड़ के बाद फिर शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क, जो सिंधिया परिवार की एक अंकुर है, कूनो और माधव नेशनल पार्क शिवपुरी दोनों जो माधव महाराज प्रथम के द्वारा स्थापित की गई थी, कूनो में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब चीता वहाँ स्थापित हो गए हैं, तो वो पूर्ण जीवित हो गया है। माधव नेशनल पार्क में शिवपुरी में दो टाइगर, एक नर सतपुरा से और एक मादा बांधवगढ़ से, दोनों आज हम लोग ने वहाँ स्वतंत्र कर दिया है एक बाड़े में। वे दोनों उस बाड़े में 15 दिन तक रहेंगे और 15 दिन के बाद उनको जंगल में छोड़ा जाएगा। 10 मार्च उसके लिए भी पटकथा आई आपने, और भाजपा की सरकार गिराने के लिए और उसी के साथ भजन संध्या आज आयोजित किया गया है। और इसके बाद सिंधिया स्कूल का 125वीं वर्षगांठ ये इस वर्ष में हम मना रहे हैं, तो तानसेन संगीत सम्राट पर एक नृत्य, मुंबई से एक पूर्ण मंडली आई है जो विश्व प्रसिद्ध है, तो तानसेन के मकबरे पे वो प्रस्तुतिकरण सिंधिया स्कूल के द्वारा ग्वालियर शहरवासियों के लिए, आप सब लोगों के लिए वहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो पूर्ण दिवस उनके स्मृति में, चाहे खेलकूद हो, चाहे वन प्राणी हो, चाहे विकास हो, चाहे भजन हो, और चाहे ग्वालियर घराना संगीत के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध है उस विषय पर हो,
तो पूर्ण दिवस उनके लिए समर्पित है और आप सब लोग भी आए, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, देखिए नागर विमानन क्षेत्र में पिछले 1.5 वर्षों में हमने पूर्ण वातावरण परिवर्तित कर दिया है। जिन शहरों में यातायात की सुविधा नहीं होती थी, उदाहरण के तौर पे भोपाल में केवल हम लोग 4 शहरों से जुड़े हुए थे, आज हम लोग 9 शहरों से जुड़े हुए हैं। इंदौर जैसा शहर जो केवल 11 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था देश में, आज 24 शहरों के साथ हमने जोड़ दिया है, दुबई तक हमने जोड़ दिया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रैल में शारजा की फ़्लाइट भी वहाँ हम लोग शामिल करें। ग्वालियर में हम लोगों के पास कोई सुविधा नहीं थी आज, और छोटे छोटे प्लेन आते थे, आज एयरबस 320 का विमान दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, बेंगलोर के लिए, ATR का विमान हैदराबाद के लिए, दूसरे शहरों के लिए, तो एक हलचल मच गई है। नवीन एयरपोर्ट टर्म लोग स्थापित कर रहे हैं, एक जबलपुर में जो अगले 3-4 महीने में तैयार हो जाएगा, और एक दूसरा ग्वालियर में जो तीव्र गति आप लोग स्वयं देख रहे हैं। 500 करोड़ का ये टर्मिनल है, 2 लाख स्क्वायर फीट का ये टर्मिनल होगा, मतलब भोपाल इंदौर के तर्जे पर ये बड़ा बनेगा। और इसी के साथ रीवा में जो विंध क्षेत्र बिल्कुल कटा हुआ था, व्यक्ति को या तो जबलपुर जाना पड़ता था 5 घंटे या इलाहाबाद जाना पड़ता था, तो रीवा में एक नया एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट 19 सीटर के लिए शुरुआत में, और फिर 290 एकड़ का प्रस्ताव कैबिनेट से आया है, उस पर हम लोग ATR भी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम लोग अपने तरफ से निवेश केंद्र सरकार मेरे मंत्रालय से 150 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। भारत को जो उड़ान क्रांति लेकर आए अब मुझे ब्यूरो रिपोर्ट।